Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको, हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की, हमेशा की तरह बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये है जी हमारी बहुत ही मशहूर कराची की बिरयानी, और ये बड़ी फेमस है, बड़ी मशहूर बिरयानी है। इसको कहते हैं जी स्टूडेंट बिरयानी, और ये अपने गोल्डन कलर से पहचानी जाती है। जो इसका ऑरेंज सा कलर होता है, इससे ये पहचानी जाती है कि ये स्टूडेंट बिरयानी है। आजकल तो आपको पता है हर जगह, कराची में क्या, हर जगह, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर जगह पे ये स्टूडेंट बिरयानी बन रही है। और इसकी फेमस होने की वजह यह है कि इसका जो गोल्डन सा कलर है वो बड़े मज़े का होता है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने 1 किलो चावल ले लिए। मैं 1 किलो चावल में बना रही हूँ, और यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 किलो 2.5 किलो चिकन ले लिया है। बड़े पीसेस करवा लें आप। यहाँ पे आप धनिया और पुदीना और हरी मिर्च आप एक साइड पे काट लें। यहाँ पे मैंने मसाला बनाया है जी, इसमें आप ज़ीरा, धनिया, बादियान के फूल, बड़ी इलायची डाल के इसको पीस लें। और ये आपको जो येलो सा नज़र आ रहा है, ये रेडीमेड मसाला है। पूरा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया था, सिर्फ 2 टेबल स्पून मैंने बचा लिया है। वो मैंने क्यों बचाया मैं आपको बाद में बताऊँगी। बड़े साइज़ के 3 टमाटर मैंने ले लिए हैं, इनको काट लिया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट आप डाल लें। यहाँ पे चिकन पाउडर डालना है, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो, नहीं डालना चाहते तो कोई मसला भी नहीं है, ना डालें। नमक मिर्च आप हंसते जायका डालेंगी। और आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने दही और दूध जो रखा हुआ है, ये एक सीक्रेट है, ये आपको मैं बाद में बताऊँगी कि ये दही और दूध का मैंने क्या करना है। हर तरह हमेशा की तरह इसका भी सीक्रेट है बिरयानी का, और बहुत ही मज़े की बनती है। आपको पता है बिरयानियाँ जो होती हैं वो सब एक जैसी होती हैं, देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनका थोड़ा थोड़ा मेथड जो होता है ना, तरीका बनाने का, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ़ होता है, और बिरयानी का जायका जो होता है थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है जी, प्याज को थोड़ा सा सोते कर लिया है, और इसमें हम डाल देंगे चिकन। दूसरी तरफ मैंने चावल बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं, नमक और ज़ीरा डाल के और थोड़ा सा धनिया डाल के मैंने उनको पानी को रख दिया। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा मैं चावल ऐड कर दूँगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, अब टमाटर इसमें ऐड कर देने हैं। टमाटर के साथ ही आपने मसाला ऐड कर देना है, जो आपने लहसुन अदरक का पेस्ट, चिकन पाउडर, नमक और मिर्चें आपने ये डाली हैं। तो इसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं थे, अगर आप घर में बना रहे हैं, अगर घर में बना रहे हैं तो आप नमक और मिर्चें अपने हिसाब से डालेंगी। वैसे जो स्टूडेंट बिरयानी होती है उसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, और खड़े मसाले भी डाले जाते हैं इसमें। और एज़ इट इज़ वैसी ही बनेगी इंशाल्लाह ये बिरयानी। आप इस तरह मेरे मेथड से बनाइएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनेगी। आपको यहाँ पे ये मसाला बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा मसाला नहीं है, एकदम परफेक्ट मसाला है इस रेसिपी के लिए। 1 किलो चावलों के लिए 2.5 किलो, तकरीबन 2.5 किलो के करीब, 2 किलो के करीब ये चिकन है, और 1 किलो मैंने, आधा किलो इसमें मैंने आलू ले लिए, तकरीबन 3 पाव 1 किलो के करीब आलू हैं। आलू जितने हो कोई मसला नहीं होता इनका। यहाँ पे आपने क्या करना है कि अब ये इसको थोड़ी देर ढक के रख देना है। और मैंने आपको बहुत सी बिरयानियाँ बनानी बताई हैं, और सब में मैंने आपको एक ही बात बताई है कि जब भी आप बिरयानी बनाया करें तो इसको हाफ डन किया करें। इसके चिकन को, मटन को, बीफ को, चाहे जिसकी भी आप बिरयानी बना रहे हो, आलू की भी बना रहे हो, तो इसको हाफ डन आपने करना है। फुल डन आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि दम में जाके फिर आलू भी मैश हो जाते हैं और चिकन, बीफ वगैरह ये सारा कुछ भी मैश हो जाता है। यहाँ मेरे तकरीबन ऑलमोस्ट चावल मेरे तैयार हो गए हैं, चिकन भी मेरी तैयार हो गई है। जब आप, एक और आपको टिप देती चलूँ कि जब कौरमा और इसका ये ठंडा होता है ना, तो फिर मज़े का नहीं इसका दम आता, तो लिहाजा दोनों चीज़ें गर्म गर्म डाली जाएँ तो बहुत अच्छी रहती हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था बिरयानी ऐसन जाएगा इसमें, और थोड़ा सा केवड़ा ऐसन जाएगा इसमें। इस स्टेज पे आपने 1 टेबलस्पून भर के केवड़ा ऐसन डाल देना है, और 2 टेबलस्पून भर के आपने बिरयानी ऐसन का डाल देना है। बिरयानी ऐसन का कोई मसला नहीं होता, अगर वो सालन में आप डाल रहे हैं तो फिर आप एहतियात से 1/2 टीस्पून डालें या 1/2 टेबलस्पून डालें, लेकिन आप बॉयल चावलों में अगर डाल रहे हैं तो फिर आप, कोई मसला नहीं होता, 2 टेबलस्पून भी आप डाल सकते हैं। चावल ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब आपको मैं इसका सीक्रेट बताती चलूँ जो मैंने आपको बताया था। आपने सुना होगा, देखा होगा कि दही जाता है बिरयानी में, हर बिरयानी में जाता है, लेकिन दूध भी इसमें जाएगा। इस बिरयानी का सीक्रेट ये है कि इसका एक केचप बनता है, मैं तो इसको केचप बोलती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि दुकान वाले या इसको क्या बोलते हैं सब। इसमें मैं 1 टीस्पून भर के, फुल भर के ऑरेंज कलर डालूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी इस तरीके से।
आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको मैं कैचअप ही कहती हूँ, ये कैचअप इसका बन गया है। तो इसको आपने क्या करना है कि सारे का सारा उठा के और इसको आपने कोरमे में डाल देना है। कोरमा मैंने पतीले में शिफ्ट कर लिया है, जिस पतीले में मैंने चावल बॉईल किए हैं तो उसमें मैंने शिफ्ट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सारा इसका ये केचप आपने यहाँ पे डाल देना है। और इसका आपने देखा होगा कि मैंने हाफ डन क्यों किए थे। अब जैसे ही ये इसमें ये दही और इसका दूध का मिक्सचर जाएगा और ये इसमें थोड़ा सा लिक्विड पन आ जाएगा, लेकिन आप जब ऊपर चावल डालेंगे इसको बहुत अच्छा दम आएगा, आलू भी बरकरार रहेंगे और चिकन भी आपके नहीं टूटेगी और बहुत मज़े की बनेगी। आपको मैं बार बार एक बात समझाती हूँ, जब भी मैं आपको चावल बनाना बताती हूँ, बिरयानी पकाना सिखाती हूँ, तो आपको मैं एक ही बात बताती हूँ कि बिरयानी के जो चावल होते हैं वो कभी भी टूटने ना पाएँ। ये आप देखें कि मैंने 2 टेबल स्पून मसाला, जो मसाला था वो मैंने बचा लिया था, बिरयानी मसाला। यहाँ से आप ऊपर से इसका छिड़केंगे बिरयानी मसाला, और जैसे मेथड मैंने बताया है एज़ इट इज़ आपने ऐसे ही बिरयानी बनानी है, तो आपकी बिल्कुल बाज़ार वाली बिरयानी बनेगी और बिल्कुल जैसे वो स्टूडेंट बिरयानी आप खाते हैं होटल्स में, ढाबों में, रेड़ियों पर और जगह जगह जो फेमस है स्टूडेंट बिरयानी वो आप खाते हैं, वैसे ही बनेगी। और आप एक बात ध्यान में रखें कि कभी भी बिरयानी का चावल टूटना नहीं चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। खिला खिला हुआ चावल होगा आपका बिरयानी का, तो आपकी बिरयानी की लुक भी बहुत अच्छी आएगी और दिल भी चाहेगा इसको खाने के लिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी करें अपने कॉन्टैक्ट्स में, और ताकि मुझे बहुत ही आपकी तरफ से हौसला अफज़ाई मिले। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल जाया करें। और दिल को खुशी होती है, आप यकीन करें कि पहले 1 सब्सक्राइबर से लेके यहाँ तक का सफ़र बहुत ही मुश्किल से काटा है, बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ी है, बहुत ही मतलब आप यकीन करें कि मेरे जब 100 सब्सक्राइबर हुए थे, जब 1 सब्सक्राइबर हुआ था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, फिर 100 हुआ था फिर वो खुशी हुई थी, जब 1K हुआ तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। माशाल्लाह से मेरा चैनल जब मोनेटाइज हुआ तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई थी, और मैंने आप सबके साथ शेयर भी की थी अपनी मोनेटाइजिंग की खुशी। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इसका कलर आया, कलर होता है ऑरेंज सा कलर होता है बिरयानी का, स्टूडेंट बिरयानी का वैसा ही कलर आया है। आलुओं का कलर भी आप देखें सेम एज़ इट इज़ वैसा ही है। बहुत ही मज़े की थी, स्पाइसेस बिल्कुल भी तेज़ नहीं थे। 1 किलो चावल के लिए जो मेथड मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, आपने इसी मेथड से चीज़ें बनानी हैं और बिरयानी बनानी है आपने, और आप बना के देखिएगा इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनेगी बिरयानी। दुआ में मुझे याद रखिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।